हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल त्रिपथ एकेडमी। त्रिपथ एकेडमी आप सभी का स्वागत है। तो यार, आप सभी के जो डाउट्स थे यार, फीस विथड्रॉल जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे कितने चार्जेस कटने वाले हैं, या आज लास्ट डे है यार चॉइस फिलिंग का, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप सभी के यार जो डॉक्यूमेंट्स में डाउट्स थे कि यार कितने रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या इन सब चीज़ों के लिए आपके जो छोटे मोटे डाउट्स थे, तो वो सब भी हम बात करने वाले हैं। तो इसीलिए यार इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें, क्योंकि यार आपके इसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे आपके डाउट्स बने हैं, वो सारे हम इस वीडियो में आपके क्लियर कर देंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, सो यार शुरू से लेके लास्ट तक देख लो, उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो यार फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं जितनों को भी अभी डाउट्स है यार कि फीस विथड्रॉल का, कि यार फीस विथड्रॉ अगर हम कर रहे हैं, बहुतों ने अप्लाई कर रखा है, तो उन बच्चों को यार समझ नहीं आ रहा कि कब तक हमारे पैसे आने वाले हैं, या जो बच्चे करने की सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि यार कब करें कब ना करें। तो यार मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जितने भी आप सब बच्चे हो, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा यार, स्लाइडिंग राउंड से पहले पहले, ठीक है, स्लाइडिंग राउंड से पहले पहले अगर आप करवा लेते हो अपना फीस विथड्रॉ, तो यार बहुत बढ़िया है। तब आपकी जो 100% है वो पूरा का पूरा 100% आपका विथड्रॉ हो जाएगा। बस आपके 1000 रुपए चार्जेस कटेंगे और आपका पूरा विथड्रॉ हो जाएगा। तो इसलिए यार अपना जल्दी से एक डिसीजन बनाओ कि स्लाइडिंग राउंड से पहले पहले अगर मैं कर सकूं तो ठीक है। ठीक है, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार कि स्लाइडिंग राउंड से पहले तो मैं नहीं कर पाऊंगा, स्लाइडिंग राउंड के बाद क्या पता मैं एक बार देख लेता हूं क्या, तो स्लाइडिंग राउंड के बाद 15 दिन के अंदर अगर आप अपना फीस विथड्रॉ कराते हो तो आपको 80% फीस मिलेगी और आपके 3000 रुपए चार्जेस कटेंगे। ठीक है, ये समझ आया आपको कि अगर कुछ बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं स्लाइडिंग राउंड के बाद फीस विथड्रॉ कराऊंगा तो आपके कितने चार्जेस कटेंगे, तो यार वो 80% चार्जेस आपके कटने वाले हैं। तो बस यार इतना समझो कि 80% चार्ज कटेंगे, और मैं तो यही कहूंगा यार स्लाइडिंग राउंड से पहले अपना डिसीजन बना लो, क्योंकि अगर तुम्हें कहीं और कॉलेज मिला होगा ना तो यार अभी तक मिल चुका होगा और तुम सोच रहे हो किसी के स्पॉट में बैठने का यार, तो इसलिए अपना एक डिसीजन बनाओ। ठीक है, तो यार यही डिसीजन बना के रखो क्या करना है क्या नहीं करना। यार ये तो हमने बात की फीस विथड्रॉ वालों की, आप सभी का जो डाउट थे यार डॉक्यूमेंट्स के, यार डॉक्यूमेंट जो है हमारे जो एफिडेविट है, या जो गैप ईयर का सर्टिफिकेट है, या एंटी रैगिंग है, उनको कितने रुपए वाले पे बनाना है, 10 रुपए वाले या 100 रुपए वाले, किस पे बनाना है, हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे डाउट्स आए। ठीक है, तो यार उसको हमने पिछली वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन किया था यार, डॉक्यूमेंट्स पे सारी चीज, सारा हरीश भैया ने पूरा ढंग से समझा रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके डाउट्स बच गए थे वो क्या है यार, कि जो तुम्हें बनवाना है यार एफिडेविट गैप ईयर का, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि यार 100 ही रुपए वाला बनेगा क्या, तो मैं बताऊंगा कि यार 100 रुपए वाले बना लोगे तो यार तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है, बैकअप है, कि अगर ऐसा कुछ कुछ कॉलेज वाले, यार कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कि अगर एक बार ये कॉलेज वाला नहीं मान रहा तो इसी चक्कर में, तो यार 100 रुपए वाले बनवा लो। लेकिन अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहते हो तो यार 10 रुपए वाला भी चल जाता है, 10 रुपए वाले पे भी अगर तुम जाओगे नोटरी वाले के पास और 10 रुपए वाले पे भी कहोगे कि बनवा देने के लिए, तो वो भी तुम्हारा काम चल जाने वाला है। ठीक है, लेकिन यार मैं खुद अपनी तरफ से तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा यार 100 रुपए वाले पे बनवा लो, कि तुम्हारे यार कोई भी ऐसा ना हो कि यार वहां जा करके कोई लफड़ा पड़े या ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आपकी बात हुई यार कितने वाले, और एंटी रैगिंग की जहां तक बात है यार, एंटी रैगिंग बाय पेरेंट्स और एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट, तो यार वो तो पिछले साल तक क्या होता था यार, एक फॉर्म है, मैंने लिंक दे रखा है उसमें एंटी रैगिंग का है, वो जो है उसी को यार प्रिंट आउट करवा लेते थे, उसी पर लिख करके और साइन वाइन करके हो जाता था काम। लेकिन यार इस साल से क्या है, बच्चों के जो इस बार डाउट्स हैं, देखो कुछ कॉलेज वाले होंगे जो उसी को मान लें, लेकिन कुछ कॉलेज वाले अपने नखरे दिखाएंगे और बोलेंगे कि यार हमें नहीं चलने वाला, तो आप एक बैकअप पॉइंट, एक बैकअप रखो अपने पास, क्या उसको 10 रुपए वाले पे अपना बनवा के रख लो। ठीक है, 10 रुपए वाले जाओ नोटरी वाले के पास, नोटरी वाले को अपना ये फॉर्मेट दो, उस फॉर्मेट को बोलो भाई टाइप कर देने के लिए, और वो भी 10 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, तो ये जाके उन्हें बोलो, वो तुम्हारा बना देगा। और तुम्हें गैप ईयर का पता चल गया यार, गैप ईयर जो है वो गैप ईयर का कितने पे, 100 रुपए वाले बनवा लो, 10 वाला भी चल जाता है। ठीक है, और एक मैं एक नई चीज बताना चाहूंगा यार, कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बच्चे सोच रहे थे कि यार माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर मेरे पास नहीं है
तो क्या होगा? देखो अगर तुम दिल्ली वाले हो तो अगर तुम्हारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी तुम्हारा काम चल जाने वाला है, ठीक है। जो बच्चे दिल्ली वाले होते हैं उन बच्चों के पास अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं भी है ना तो भी उनका काम चल जाता है, ठीक है। और तुम्हें जो 10th और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट की जहां तक बात थी, तो अगर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी है तो यार काम चल जाएगा, लेकिन यार 12th का पासिंग सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। वरना तुम्हें खुद दिक्कत आएगी अगर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है यार। तो तुम्हें खुद दिक्कत आने वाली है इन सब चीजों की। जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मैं डिजी लॉकर वाले ही मार्कशीट दे दूंगा क्या, या ओरिजिनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार मैं आप सभी को समझाने चाहूंगा यार, अभी भी अगर स्कूल के पास नहीं गए तो स्कूल के पास जाओ और वहां पे जाकर के उनका यार दिमाग खराब करो, कुछ भी करो और कैसे भी करके अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेके आओ, क्योंकि जब तुम वहां रिपोर्टिंग के टाइम तुम पहुंचोगे ना तो यार तुम्हारी वो ओरिजिनल मार्कशीट देखेंगे पहले, कि ओरिजिनल से मैच करेंगे यार तुम्हारा, ठीक है। ओरिजिनल से मैच किया जाता है, ऐसे ही नहीं होता, ओरिजिनल वाले से मैच करा जाता है वो चीज, ठीक है। तो यार इसलिए ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना। वैसे तो यार तुम्हारा 3 सेट में भी 2 सेट में भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूँ कम से कम 4 सेट बना के रखो। अब फोटो कॉपी कराने में क्या ही जा रहा है यार, 1-2 रुपए लगते हैं फोटो कॉपी के, ठीक है। तो यार उसको 4 सेट बनवा के रख लो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आनी चाहिए। वहां पे जाओ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में, जल्दी से काम अपना हो जाएगा, बात खत्म। वरना पता क्या होता है, तुम 3 दिन तक भी चक्कर काटते रहोगे, 8 से 10 तारीख तक है ना, तो 8 दिसंबर को जाओगे, फिर वहां तुम देखोगे यार ये वाले डॉक्यूमेंट्स थे ये वाले, यार ये वाला तो छूट गया मेरा, अब ये मैं क्या करूं। फिर तुम नौ को पहुंचोगे वो सारे लेके, फिर वहां जाओगे, फिर वहां उनको टीचरों को दिखाओगे सामने सामने, उसके बाद वो बोलेगा नहीं भाई तेरी तो ये कमी है यहाँ पे, तेरी तो ये कमी है यहाँ पे, और फिर वो देख करके फिर तुम दोबारा आओगे, फिर घर आओगे फिर 10 तारीख को। इस चक्कर में तुम्हारे अंदर एक और ज्यादा पैनिक सिचुएशन बनेगी, यार मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, अलॉटमेंट के होने के बाद भी, ठीक है यार। इसीलिए अभी से बनवा के रख लो, 4-4 सेट बनवा के रखो, और फोटोग्राफ्स तो जरूर लेके जाना, बच्चे फोटो लाना ही भूल जाते हैं यार, कम से कम 10 फोटोग्राफ ले लेना। वो जो पूरी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स थी वो तो यार हरीश भैया ने पूरा अच्छे से समझाया, पूरा अच्छे से एक एक चीज उन्होंने समझाई है, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें लगेंगी, यार वो वीडियो जरूर जाकर देखो, वो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए, ठीक है। उस वीडियो के बाद जो कुछ बच्चों के डाउट्स बने थे वो इस वीडियो मैंने आपके सारे क्लियर कर दिए। अब यार जो बात है कि यार आज लास्ट डे चॉइस फिलिंग का, इसके बाद दोबारा मौका भी नहीं मिलने वाला है तुम्हें चॉइस फिलिंग का, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि यार दोबारा मौका मिल जाए मुझे, तो यार उसके बाद मिलने वाला भी नहीं है। स्लाइडिंग राउंड है, स्लाइडिंग राउंड से पहले पहले जो यही इसी बार जो तुमने चॉइस फिलिंग कर ली वही चॉइस फिलिंग रहने वाली है, इसके बाद कोई चेंज नहीं होने वाला। तो मैं इससे पहले ही वीडियो में समझा चुका था ये सारी बात, लेकिन यार फिर से मैं समझाना चाहूंगा। एक ने कमेंट भी लिखा था आप तो एक ही चीज बोले जा रहे हो, ये ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करो, ठीक है। मैं यार यही समझाऊं क्योंकि आप सब सीरियस नहीं, यार कुछ कुछ ऐसे कमेंट भी आते हैं कि यार वो बिना सीरियस लिए हो कि यार लॉक नहीं भी करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा ना। अभी यार तुम्हारे पास मौका है तो लॉक क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हो ना लॉक, यार लॉक कर दो, तुम्हारे क्या जाता है, ठीक है। और मैं बस फिर से यही समझाऊंगा कि यार ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरो, ये मैंने पहले भी समझा रखा है और इस बार भी मैं दोबारा समझाता हूँ क्योंकि आप सबके समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा चॉइस भरो, क्योंकि यही चॉइस फिलिंग आपकी लास्ट तक भी रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि जिससे कोई ना कोई कॉलेज तुम्हें अलॉट हो और तुम स्लाइडिंग राउंड में आराम से बैठ सको। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिले यार, ठीक है। हम खुद चाहते हैं कि बच्चों को जो भी अच्छा कॉलेज मिले यार उनको, क्योंकि 4 साल या 3 साल जितने साल का भी कोर्स है उनको उसी के साथ रहना है, ठीक है। वहीं पे कॉलेज लाइफ बितानी है, सारी चीजें करनी है, इसलिए यार अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। हम यही चाहते हैं यार सभी को अच्छा कॉलेज मिले, ऐसा ना हो कि यार किसी को ना मिले कॉलेज, क्योंकि नहीं मिलेगा यार फिर ड्रॉप की सिचुएशन है। ड्रॉप मेरे ओपिनियन में गलत है, मतलब कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन यार ड्रॉप की सिचुएशन ना ही बनाओ, कुछ ना कुछ कॉलेज ले लो, ठीक है। इसे ही मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। तो यार आप सभी के जो भी डाउट्स थे फीस विड्रॉल और डॉक्यूमेंट्स के जो भी डाउट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे लगभग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी हो, किसी को यार बेकार लगा हो पूरे वीडियो में या कुछ भी चीज बेकार लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी आप कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके दोस्त हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए यार, बस अपने पास इन्फॉर्मेशन रख के क्या फायदा, दूसरे के पास भी यही इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ, ठीक है। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके रख लो इस चैनल को, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद जय भारत।